नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को साकार करने के लिए बीजेपी से जुड़े बोले सीएम विष्णुदेव साय। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का आयोजन रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खमहार डीह में 6 सितंबर को किया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर को शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी इसके पहले सदस्य बने। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने के लिए भाजपा से जुड़े। छत्तीसगढ़ में हुआ मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसा ही एक पठन अभियान है जिसके तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है। इस मोबाइल लाइब्रेरी वैन का उद्देश्य बच्चों और समुदायों के बीच पढ़ाई की स्किल को बढ़ावा देना है। राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रूम टू रीड के संयुक्त सहयोग से इस मोबाइल लाइब्रेरी वैन की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर पहली बार इस गांव में आएगी बिजली। ग्रामीणों में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार प्रदेश के लोगों के बेहतर जीवन के लिए भी कई योजनाएं चला रहे हैं। साय कोशिशें अब बड़े लेवल पर अच्छा लेकर आ रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जशपुर जिले का महुआपानी गांव है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंचने जा रही है। जशपुर जिले की बगीचा ब्लॉक में स्थित महुआपानी गांव विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य है। आज़ादी के 75 साल बाद अब तक यहाँ के लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहे। बिलासपुर में अब पब्लिक सुधारेगी शहर की यातायात। सड़कों पर यातायात के बढ़ते दबाव की वजह से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। एसपी रजनेश सिंह ने चेतना संकल्प सुगम यातायात योजना शुरू की है। टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर 9479193015 पर जाम व यातायात से संबंधित समस्या की जानकारी दी जा सकेगी। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी और व्यवस्था सुचारू कराएगी। यातायात व्यवस्था सुधार के लिए मिली शिकायत को ICCC सेंटर के माध्यम से शहर में लगे कैमरों व PA सिस्टम के जरिए चालकों को दिशा निर्देश भी देगी। पुलिस के अनुसार जानकारी देने वाली की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर के आसपास रायपुर दौरे पर आ सकते हैं। यहां वे नवा रायपुर में बन रहे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक स्वतंत्रता सेनानी राज्य संग्रहालय के लोकार्पण कर सकते हैं। फिलहाल इस संग्रहालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। करीब 45 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ राज्य सरकार और 35 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का अंशदान है। बता दें कि इस संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पिछले दिनों सीएम विष्णुदेव साय गए थे। सीएम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में फिर से निर्माण कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। हेमा मालिनी ने की विष्णुदेव सरकार की तारीफ, कहा छत्तीसगढ़ में विकास दिखने लगा। मथुरा से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी रायगढ़ पहुंच चुकी है। वे चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम में नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय सरकार की प्रशंसा की और कहा छत्तीसगढ़ में विकास दिखने लगा है। इसके साथ ही फिल्मों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों में अश्लीलता परोसी जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। नहीं होगी जबरदस्ती, ग्रामीणों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा विस्थापन, जिला प्रशासन का बड़ा बयान। सेड्रा इलाके के ग्रामीणों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कोर इलाके के ग्रामीणों के विस्थापन के मामले में जिला प्रशासन और वन अधिकारियों ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण स्वेच्छा से विस्थापन का निर्णय ले सकते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो शासन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले 76 गाँव में से पहले चरण में 21 गाँव का चयन किया गया है जहाँ से विस्थापन किया जाएगा। एक्शन मोड में पुलिस, अब गाड़ी में काले शीशे लगाने वाले हो जाएं सावधान। बस्तर में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने यातायात पुलिस में भी अब वाहनों में काले शीशे अथवा काली फिल्म लगाकर बेखौफ घूम रहे वाहनधारियों को चेतावनी देते हुए काली फिल्म निकालने का फरमान जारी किया है। यातायात पुलिस इस फरमान के बाद बहुत जल्द ही वाहनों के काले शीशे उतरवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद वाहनों के दोबारा पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दिए 10 करोड़। जायसवाल बोले 2 महीने में काम पूरा करें। बस्तर के डिमरापाल में बन रहे 240 सीटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के काम और यहाँ लोगों को मिलने वाली सुविधा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 90% काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने अफसरों से कहा कि आने वाले 2 महीने के अंदर काम पूरा कर और यह अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री जगदलपुर दौरे के दौरान डिमरापाल में निर्माणाधीन 240 सीटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री ने कहा कि इसे प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल बनाया जाए। सीएम विष्णुदेव साय ने शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के गढ़ उमरिया में शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये रायगढ़ जिले का पहला प्रयास आवासीय विद्यालय है। यहाँ चालू शिक्षा सत्र से 125 बालक बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ IIT NIT मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोचिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, मिल रहा है अतिरिक्त लाभ। महिलाएं अब घरों के भीतर चूल्हा चौका के काम तक सीमित नहीं रह गई हैं। वे दिन प्रतिदिन नित नए आधुनिक कार्य को सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का सतत प्रयास कर रही हैं। ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेत में दवाई छिड़काव करने का कार्य कर रही है। 300 रुपये एकड़ के हिसाब से चार्ज लेती है। अब तक गाँव के लगभग 80 एकड़ खेत में ड्रोन से दवाई छिड़काव कर चुकी है, जिससे मुझे 25,000 रुपये की आमदनी हुई है। ड्रोन से न केवल निरूपा साहू को फायदा हुआ है, बल्कि किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA/DR के आदेश जल्द होंगे जारी। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश महामंत्री AK चेलक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में प्रत्यक्ष भेंट कर ज्ञापन सौंपा। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को January 24 से लंबित DA/DR देने हेतु शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस पर संघ प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को DA/DR देने के आदेश जल्द से जल्द जारी होंगे। छत्तीसगढ़ के बार में लड़कियों को फ्री अनलिमिटेड शराब ऑफर, देर रात कपल को फ्री एंट्री। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तंत्रा और ओमिगोज बार संचालक ने लड़कियों महिलाओं को अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर दिया है। कपल के लिए एंट्री भी फ्री रखी गई है। युवा वर्ग को आकर्षित करने और नशे की ओर धकेलने ये ऑफर हर बुधवार की रात रखा गया है। अब सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल संचालित बार में नियमों को दरकिनार कर इस तरह के ऑफर निकाल रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने ओमिगोस और तंत्रा बार में दबिश दी। दोनों बार संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों पर GST के 11,000 करोड़ रुपए बकाया। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों से करीब 11,000 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर की राशि नहीं वसूल पाई है। आधे से अधिक पंचायतों ने तो GST नंबर तक नहीं लिया है। ये बात सामने आई है छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट में आपत्ति उठने के बाद पंचायत विभाग के अधिकारियों ने GST वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट का भी विभाग ने परीक्षण कराना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक और महिला हुई हैवानियत की शिकार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म पीड़ित महिला अपने घर में अकेली थी। इस दौरान केदमा चौकी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मनीष कंवर ने महिला को अकेला और असहाय पाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने उदयपुर थाना में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिखेगा कर्मचारियों का सैलाब। महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हुंकार भर दी है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों की अब सड़क पर लड़ाई शुरू होने वाली है। 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कर्मचारियों का सैलाब नजर आने वाला है। केंद्र के समान DA दे तिथि से लंबित DA एरियर्स केंद्र के समान HRA अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन के आर्थिक लाभ के मुद्दों सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा चरण 11 सितंबर होगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम में आसमानी छलांग।
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है, जिसमें सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। पत्र में सांसद ने उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला और ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है। इसके बावजूद सीमेंट कंपनियों ने 3 सितंबर 2024 से कीमतों में एकाएक वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टेल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरा तक बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर को मनाई जाएगी बलराम जयंती किसान दिवस। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री बलराम जी की जयंती 9 सितंबर 2024 को भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय रायपुर के कृषि मंडपम में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री राम विचार नेताम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी आईटीआर ने केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बस्तर में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है। आईटीआर ने गिद्धों के लिए गिद्ध रेस्टोरेंट खोलने व जियो टैगिंग का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु पर्यावरण मंत्रालय को भेजा है। आईटीआर प्रबंधन का मानना है ये योजना गिद्धों की संख्या बढ़ाने में मददगार हो सकती है। मंत्रालय से अनुमति मिलते ही इस योजना पर कार्य आरंभ दिया जाएगा। बस्तर संभाग के बीजापुर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष में गिद्धों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी से उत्साहित आईटीआर प्रबंधन ने गिद्धों का कुनबा बढ़ाने गिद्ध रेस्टोरेंट का नाम से योजना तैयार की है। जगदलपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 36 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। एकलव्य आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 36 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद कुछ बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की। बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम को मौके पर भेजा है ताकि भोजन की गुणवत्ता और अन्य संभावित कारणों की जांच की जा सके। आदिवासी छात्रा ने गतका में गोल्ड हासिल कर रचा इतिहास। प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल में पहली दफा सिख समाज की पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया गया, जिसमें मड़ानार की चीनो बघेल ने अंडर 19 बालिका वर्ग में बस्तर संभाग से खेलते हुए पहले राउंड में सरगुजा और दूसरे राउंड में रायपुर की अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ कर गोल्ड हासिल की है। चीनो बघेल गैर सिख और आदिवासी खिलाड़ी होते हुए भी सिख मार्शल आर्ट गतका राज्य स्तरीय शालेय खेल में प्रथम स्थान प्राप्त कर बस्तर संभाग में इतिहास रचा है। बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, इस जिले से 152 पॉजिटिव केस आए सामने। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसके संक्रमित मिलते जा रहे हैं, साथ ही इससे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 3 दिन से एक एक मौत हो रही है। अपोलो में भर्ती उसलापुर निवासी 68 वर्षीय एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर 9 नए संक्रमित भी मिले हैं। जुलाई माह से शुरू हुए इस संक्रमण से अब तक जिले में 152 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें अब तक 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बड़ी परेशानी। त्योहारी सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दुर्ग निजामुद्दीन समेत 15 एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने से एक बार फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 6 महीने से लगातार ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में पलवल और न्यू प्रथला जंक्शन यार्ड को जोड़ने का काम कराने रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन 6 से 14 सितंबर तक प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आने वाले 3 दिनों में सक्रिय मॉनसून की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके प्रभाव से प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की धूप के साथ बादल छाए हुए हैं, वहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। अब 6 महीनों में होगा टीबी का सफल इलाज, केंद्र सरकार ने दी नई दवा को मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी को अपने लक्ष्य के मुताबिक देश से अगले साल तक खत्म करने के लिए कम समय में ज्यादा प्रभावशाली उपचार को मंजूरी दी। पूरे देश में करीब 75,000 MDR टीबी के मरीज
कम समय वाले इलाज का लाभ पाने के योग्य होंगे। ये नया इलाज टीबी रोग से पीड़ित इन मरीजों के लिए कम खर्च वाला भी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी को समाप्त करने की दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में BPALM योजना को मंजूरी दी है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत इस बीमारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।